वेलकम टू रोशनी की दुनिया। पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी, मुझे आप लोगों की याद बहुत आ रही थी। क्या आप मेरी रेसिपी को मिस कर रहे थे? मैं आज शेयर करूंगी ओनियन पराठा की इजी रेसिपी, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। एक कटोरी गेहूं का आटा लेके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। हमें नॉर्मल ही रखना है, ज्यादा गीला या कड़क ना करें। हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्याज को बारीक काट लिया है। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। हमारे आटे अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। इसे थोड़ा अच्छे से मैश कर लेंगे। इसे 2 भागों में बांटेंगे, इसे गोल कर लेंगे। इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे, हाथों से दबाकर थोड़ा बड़ा कर लेंगे। हम बेलन की मदद से एक रोटी की तरह इसे बेल लेंगे। एक चाकू से हम निशान लगा लेंगे। इसके बीच में हम प्याज को रखेंगे। हम प्याज को 3 ही साइड रखेंगे। हम इसे फोल्ड कर लेंगे। हाथों से थोड़ा दबा लेंगे। सूखा आटा लगाएंगे। हम इसे बेलन की मदद से हल्के हाथों से बेल लेंगे। आप जितना बड़ा चाहें उतना कर सकते हैं। यहाँ पर तवा गरम हो चुका है, इस पर पराठे को डालेंगे। 1 मिनट तक ऐसे ही सिकने देंगे। इसे पलट लेंगे। इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे, आप घी का भी यूज कर सकते हैं। इसे हम पलट लेंगे, दूसरे साइड भी ऑयल लगा लेंगे। हम इसे उलट पुलट कर स्पून से दबाते हुए दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे।
हमारा ओनियन पराठा बनकर तैयार है। आप इसे बनाओ, खाओ और पूरे परिवार को खिलाओ।